नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों, नए टॉपिक पे बात करेंगे। साथियों, अपन आज बात करेंगे बहरीन से रिलेटेड, क्योंकि ये हालांकि वैकेंसी तो सब कंट्रीज से रिलेटेड होती है, लेकिन कुछ टॉपिक बाय टॉपिक अपन चलेंगे। आज हम बात करेंगे सुपरवाइजर जॉब से रिलेटेड बहरीन। अगर आप बहरीन जाते हैं सुपरवाइजरी से रिलेटेड, तो आपको किस तरह से जॉब मिलता है, इसकी कंडीशन क्या होती है, इसमें क्या काम करना होता है, कितनी सैलरी मिलती है, आज इसी पर्पज से अपन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर आप जा इस जॉब में, तो अगर आपके साथ ये कुछ होता है तो ठीक है, इसके अलावा कुछ होता है तो भाई गलत है। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इससे पहले चैनल को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको सही जानकारी, सही मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए अपन आज शुरुआत करते हैं सुपरवाइजर जॉब इन बहरीन। अगर आप बहरीन जा रहे हैं गल्फ कंट्री बहरीन में, तो आपको इसमें किस तरह से काम करना है, क्या आपको रहेगा, तो इसमें मैं बता दूं साथियों, सबसे पहले अगर आप सुपरवाइजरी जॉब से रिलेटेड जॉब लेना चाहते हैं, तो आपको ये जॉब में क्या मेन चीज़ क्या करना है। सुपरवाइजर का मतलब सुपरविज़न, और सुपरविज़न का मतलब होता है कि ये मान लीजिए पाँच आदमी है, पाँच में देखो 1 2 3 4 5, पाँचों अलग अलग हैं, ठीक है, इसमें ये सुपरविज़न है, यानी इस ये अंगुली बड़ी हो गई ना, यानी इन लोगों से ज़्यादा इसको नॉलेज थोड़ा ज़्यादा है। मान लीजिए 50 आदमी हैं, उसके ऊपर आपको उसको टेकल करना है, इसके लिए 50 लोगों से थोड़ा नॉलेज आपको ज़्यादा होता है, सुपरविज़न यानी उनसे थोड़ा ज़्यादा, इसलिए इस जॉब को सुपरवाइजरी जॉब कहा जाता है। अब इसमें अगर आप काम करने हैं, तो आपको काम क्या करना होता है, मेन बात होती है टीम को मैनेज करना। आपको मान लीजिए कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, या होटल में हो, होटल में भी सुपरवाइज़र होता है, हर चीज़ में सुपरवाइज़र होता है, मॉल में सुपरवाइज़र, होटल में, यानी जितनी भी फैक्ट्री में जितनी भी तरह के काम होता है, रोड कंस्ट्रक्शन हो चाहे कोई भी काम हो, सब में काम होता है सुपरवाइज़र का। और उसका काम ये होता है टीम के जितने भी उसके मेंबर अंडर में हैं, 20 25 50 कितने भी, उनको मैनेज करना। अगर वर्करों को कोई समस्या आती है, जिसके जितने उसके अंडर में हैं उनको कोई समस्या आती है, तो वो उसको बोलते हैं। अगर आप इंडिया में बात करोगे, कहीं पर भी आप जा रहे हो, तो वो जो वर्कर हैं वो सुपरवाइज़र को बोलेंगे कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, तो उसको उससे थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है, तो वो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका जो भी उसको प्रॉब्लम है उसका समाधान करें, उसको सर्टिफाइड करके उनका सेटिंग करवाएं, ताकि वो दोबारा से अपना काम करते रहें। टीम मैनेज करना, प्लस उनकी कोई प्रॉब्लम होती है वर्करों को, तो उनको सेटिंग करना, उनको उनका काम करवाना, ये आपका मेन काम होता है सुपरवाइजरी जॉब में, ठीक है साथियों। काम बता दिया मैंने, ये काम करना होता है। जॉब आपको कैसे मिलता है, आपको जॉब कैसे मिलेगा, सीधी सी बात है भाई, सुपरवाइजरी में ऐसे तो जॉब मिलता नहीं है, जबकि यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, चाहे आप ऐड में, चाहे आपके मोबाइल पे, कहीं पर भी देख लीजिए, जितनी वैकेंसी आती हैं स्टोर कीपर, सुपरवाइज़र, टाइम कीपर वगैरह वगैरह, ऐसी जॉब आती हैं कि बंदा उसकी तरफ ज़्यादा भागता है, लेकिन ये जॉब ऐसे नहीं मिलने वाला। उसमें कुछ तो आपके अंदर होना चाहिए, कम से कम 10वीं 12वीं बंदा पढ़ा होना चाहिए, इंग्लिश उसको अच्छी आनी चाहिए, 50 बंदों को मैनेज करना, 20 बंदों को मैनेज करना कोई छोटी बात नहीं है, उसको आना चाहिए, इंग्लिश अच्छी, स्पीकिंग उसका अच्छा होना चाहिए, आईक्यू लेवल उसका अच्छा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, बाकी उसको नॉलेज उनसे ज़्यादा होना चाहिए, बाकी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है, ये चीज़ें होना ज़रूरी है, फिर भी जॉब नहीं मिलता। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ है तो जॉब मिल जाएगा, नहीं, अगर आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू में पास हो जाते हो, तो ये जॉब आपको आसानी से मिल सकता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आपको इंटरव्यू, चाहे आप इंडिया में दो, चाहे आप विजिट टू वर्क जाके वहाँ इंटरव्यू दो, इंटरव्यू में पास हो जाते हो सुपरवाइजरी में, तो जॉब आसानी से मिल जाता है, चाहे कंट्री कोई भी हो, ठीक है। बाकी उसमें दूसरा ऑप्शन इसमें ये होता है कि मान लीजिए आप किसी भी कंपनी में, किसी भी होटल लाइन में, कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, आपका काम करते करते साल, दो साल, तीन चार साल हो गया, टाइम हो गया, आपको नॉलेज हो गया, तो कंपनी मान लीजिए हो, कोई भी आपका, आपको ऑर्गेनाइजर है जो आपको तनख्वाह देती है, वो आपका प्रमोशन कर देती है, समझ रहे हो। मैन ये जॉब इसी तरह से ज़्यादा मिलते हैं, 80% जॉब प्रमोशन के हिसाब से, कि आप गए थे लेबर में, फिर आप हेल्पर बने, फिर आप ऊपर, इस बाद में आपको सुपरवाइज़र बना दिया गया कि ये 20 बंदों का टेकल करना आपका काम है, सैलरी उसमें थोड़ा बढ़ जाती है लेबर से ज़्यादा, ये इस तरह से ये काम मिलता है, ठीक है। मैंने दो तरीके से जॉब आपको बता दिए। सैलरी की बात करें साथियों, तो अगर आप बहरीन जा रहे हो, तो आपको आराम से 200 KD के आसपास सैलरी मिल जाती है, 180 KD से लेके 220 KD के बीच में, यानी कोई राउंड फिगर होता है, कोई फिक्स नहीं होता कि इतनी तनख्वाह मिलेगी, ठीक है, एवरेज इतना ही होता है, 180 से 220 तक के बीच में आराम से मिल जाती है।
एक अपने इंडियन एक एक केडी का एक बीडी का अपने इंडियन रुपीस बनता है 190 रुपये, अभी की करंटी में भाव है, तो मेरे हिसाब से 30 से 40 हज़ार बंदा आराम से कमा लेता है। ये साथियों आपको मैंने बता दिया, आपको वीज़ा मिल जाता है 2 साल का, ठीक है, रहना खाना कंपनियों की तरफ से लगभग मिल जाता है सुपरवाइजरी जॉब में, टिकट आने जाने की कंपनी दे देती है, फ्राइडे को छुट्टी रहती है, आप सब लोगों को पता होता है, बस यही प्रोसेस होता है, बाकी कोई हार्ड नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो, बाकी डायरेक्टली भाई घर बैठे अगर जॉब चाहते हो तो वो तो इम्पॉसिबल है। तो मैंने साथियों मेरे हिसाब से सुपरवाइजरी जॉब चाहे कंट्री कोई भी हो उससे रिलेटेड अगर इस तरह से आपके साथ होता है तो ठीक है, इसके अलावा होता है तो भाई मैं नहीं मानता वो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने इंक्वायरी दी, आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज इसी तरीके की सही जानकारी सही मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।